हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं हरियाणा एचडीएस रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, तो उन स्टूडेंट को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको जनरल से ही फिल करना होगा। सेकेंड चीज, बीसीबी की जो सीट है वो सिर्फ 3 है, तो आपके जनरल से अप्लाई करें या फिर बीसीबी से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एचडीयू 2018 की वैकेंसी थी, उसमें जो बीसीबी की कट ऑफ थी वो कहीं ना कहीं जनरल से आगे थी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ 1 सीट थी। एंड आपको जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस कैटेगरी में फिल किया है, सो जो फर्स्ट एग्जाम है, जिसको हम मेन एग्जाम भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरव्यू से पहले आपको अपनी कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते, ये एचपीएससी का रूल है। चाहे आपके मार्क्स जनरल से भी ज्यादा हो, बट आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ है उसके अंदर आपके मार्क्स होने चाहिए। ये पहली चीज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये भी हम ले सकते हैं, कैंडिडेट, कल मेरी बात भी हुई थी उनसे, आई थिंक उनके मार्क्स जनरल से भी ज्यादा थे, बट उनका इंटरव्यू कॉल भी नहीं हुआ। सो चीजें डिपेंड करेंगी। एंड अब की बार सिर्फ 3 पोस्ट हैं, तो आपके लिए क्या सही है कि आप 3 पोस्ट बीसीबी में फाइट करें या फिर जनरल के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर यहाँ पे 45% का क्राइटेरिया आता है, सो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको 45% ही मार्क्स लेने हैं बीसीबी कैटेगरी में, एंड जनरल में 50%। एंड इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, अब की बार हरियाणा एडीओ में एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, एंड वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हो गए सिर्फ 45% मार्क्स पे। अगर सेम कैंडिडेट जनरल में होता सो फेलियर हम बोल सकते हैं। सो एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एंड इससे अपने आप को डिसाइड ना करें, बट यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर आप हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब आपकी कमांड है हॉर्टिकल्चर पे, सो आप जनरल में फिल करें, बिकॉज वहाँ पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको श्योरिटी है कि मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ बिकॉज ऑफ योर सब्जेक्ट नॉलेज, सो आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल में। अदरवाइज आप अपनी कैटेगरी में भी फिल कर सकते हैं। 3 पोस्ट के लिए 9 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, जैसे पहले भी हुआ था। एंड जो ईडब्ल्यूएस के हैं उनको जनरल में ही करना पड़ेगा, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। रेस्ट जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल में आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे एचएसएससी के एग्जाम में ईडब्ल्यूएस की जो शुरुआत में कट ऑफ होती है वो जनरल से ज़्यादा जाती है। उसके बाद में जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब अगर आपने इंटरव्यू फेस कर लिया एंड आपका इंटरव्यू क्लियर है, देन आपके पास 2 चॉइस है। ऐसा नहीं कि बार बार में आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। इनिशियल फेज में आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करना है, लेटर स्टेज में आपके पास 2 चॉइस है। अगर आप जनरल के इक्विवेलेंट हैं तो आपको जनरल की सीट मिलेगी, एंड अगर आपके जनरल के इक्विवेलेंट मार्क नहीं है आपको अपनी कैटेगरी में। सो इट्स ऑल डिपेंड। सो अपने आप से या फिर अपने घर वालों से डिस्कस कर सकते हैं या फिर किसी और से भी कि आपको कौन सी कैटेगरी फिल करना चाहिए। बट माय ओपिनियन इज दैट अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है देन आपको जनरल कैटेगरी में ही फिल करना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।